सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों पहले वाला आपने वीडियो देखा होगा, हम लोग बाहर निकले थे दोस्तों, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि हमें कोल्हापुर से ही वापस होना पड़ा, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि आगे जाने की अनुमति नहीं मिली और गोवा में भी बहुत ही बारिश हो रही है। खैर कोई बात नहीं, ये हम आपको जर्नी करा रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग आपको लेकर आ चुके हैं लोनावाला और खंडाला की शानदार और जानदार वादियों का दीदार कराते हुए। हम आपको चलो घुमाते फिराते हैं बारिश के मौसम में लोनावाला और खंडाला कैसा लगता है, और यहाँ की जो कुदरत के नज़ारे हैं उनका आप आनंद लीजिए। कोई बात नहीं, गोवा फिर चले जाएंगे, थोड़ा सा अगले महीने मौसम खुल जाएगा तो फिर शूटिंग करने में भी वहाँ पर मज़ा आएगा। बताया गया कि बहुत ही ज़्यादा बारिश के कारण इफ़ेक्ट है और इसीलिए अभी ना जाया जाए तो बेहतर है। इसलिए हमने और हमारे दोस्त ने प्लान किया कि चलो भाई अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए जाएंगे। और अपने दोस्तों को ये देख सकते हैं आप बारिश के मौसम में यहाँ का नज़ारा, क्या बात है, बहुत ही मन को लुभावने वाला रहता है। ये पूरा बारिश से लबालब हो चुका है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के कारण। लेकिन नज़ारों की क्या बात है, ये देखिए सड़कों पर पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप नदी नाले किस तरह से उफान पर हैं दोस्तों। कोई बात नहीं, आज इस प्रकृति का आनंद लेते हैं। और ये जो पूरा गोवा का ही दोस्तों ये रोड है, गोवा मुंबई से जो गोवा है करीबन 600 किलोमीटर पड़ता है, और वहाँ पर जाने के लिए जो किराया है नॉन एसी बस का जो है स्लीपर कोच का 700 रुपये की टिकट है और 1000 रुपये एसी स्लीपर कोच का। अगर आप गोवा मुंबई से गोवा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप साइन से भी बस पकड़ सकते हैं, बोरीवली से भी बस पकड़ सकते हैं, अंधेरी गोरेगांव बैंड्रा कहीं से भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप बस पकड़ सकते हैं। और ये यहाँ की खूबसूरत वादियों को हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं और साथ में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो गोवा में आप जाएं तो पणजी में ही रुकें, पणजी में ही स्टे करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। हालांकि गोवा हम पहले भी जा चुके हैं, लेकिन इस बार हम अपने दर्शकों के लिए जाना चाह रहे थे कि हाँ चलो गोवा घुमाया जाए, लेकिन बारिश में बहुत ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण हमने कुछ तब्दीली करी। और ये देख सकते हैं यहाँ से अब हम ये टनल से क्रॉस करके ये देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों को दोस्तों। ये यहाँ का एक्सप्रेस हाईवे है और यहाँ से अब हम आपको यहाँ की लोनावाला और खंडाला की खूबसूरत वादियों को आपको दिखाते हुए आपको लेकर जाएंगे। NH-47 से लेकर जाएंगे दोस्तों, जो कि पूना और मुंबई का सुपर एक्सप्रेस हाईवे है। उस एक्सप्रेस वे के ऊपर टू व्हीलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये बारिश के मौसम में वाकई ही यहाँ के मनोहर दृश्य देखने लायक रहते हैं। हालांकि विजिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ की खूबसूरत वादियों का आनंद लेने में कंजूसी ना करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा पानी यहाँ पर ये भरा हुआ है, और लबालब जहाँ पर भी पानी की आवश्यकता थी ऊपर वाले ने पूर्ति कर दी है पानी की दोस्तों, क्योंकि पानी होना बहुत ही आवश्यक है। ऊपर वाला अगर पानी नहीं बरसाएगा तो पानी के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। ज़्यादा हो जाए तो भी परेशानी है, कम हो जाए तो भी परेशानी है, लेकिन ये सिलसिला तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। और ये यहाँ की प्रकृति का आनंद लीजिए और पूरा मनोहर दृश्य ये हम आपको दिखा रहे हैं।
और जैसे ही लोनावाला और खंडाला की शुरुआत होगी वो भी बताएंगे। ये अभी फ़िलहाल हम लोग ये हाईवे से मुंबई गोवा हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं और ये हम लोग आपको लेकर पहुंच चुके हैं पूना दोस्तों। और ये पूना के बाद में दोस्तों सुपर एक्सप्रेस हाईवे का आरंभ हो जाएगा और ये यहाँ की खूबसूरत वादियों को आप ये देख सकते हैं। ये हम लोग पूना क्रॉस कर रहे हैं, पूना के बाद में एक्सप्रेस हाईवे शुरू हो जाएगा और उस हाईवे को भी आप देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है जो हाईवे है दोस्तों वाकई। और बारिश के मौसम में जब भी आप मुंबई शहर में आएं तो लोनावाला और खंडाला ज़रूर जाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मुंबई में रहने वाले लोग लोनावाला और खंडाला ही जाते हैं और वहाँ पर बारिश का आनंद लेने के लिए जाते हैं और प्रकृति का आनंद लेने के लिए जाते हैं। और ये हम बस पूना को क्रॉस करने ही वाले हैं दोस्तों, ये पूरा एक्सप्रेस हाईवे से होकर हम जा रहे हैं और आप भी देख लीजिए कि पूना किस तरह से लगता है। हालांकि पहले वीडियोस में भी हमने डाला हुआ है, लेकिन ये बारिश की ऋतु में अलग ही आनंद आ जाता है घूमने फिरने का दोस्तों, इसकी बात ही निराली है, क्योंकि प्योर हवा मिलती है और मज़ा आ जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि घूमते फिरते रहो। लेकिन हमें अपना भी ख्याल रखना है, ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी जगह पर फंस जाएं, इसीलिए सेफ जर्नी होना अति आवश्यक है। ये हम आपको लेकर पहुंचने ही वाले हैं बस पूना एक्सप्रेस हाईवे पर दोस्तों। ये पूना जो है यहाँ से ख़त्म होने ही वाला है, उसके बाद में पूना टू मुंबई एक्सप्रेसवे का आप आनंद लेंगे। हालांकि शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है और ये लाइटें बिल्डिंग्स के अंदर भी जलनी शुरू हो चुकी है। हालांकि बारिश के मौसम में जो है दिन में भी दोपहर के समय भी ऐसा लगता है कि जैसे शाम हो गई है, हालांकि वैसे भी शाम हो चुकी है, अभी करीबन शाम के 6 बज चुके हैं और हम करीबन ये हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा पे। ये NH 47 दोस्तों, ये एक्सप्रेस हाईवे जो कि पूना से मुंबई तक का सफ़र इस पर तय किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत हाईवे है और बारिश में भी आपको इस पर एक भी गड्ढा नज़र नहीं आएगा, इतना मेंटेन किया हुआ ये एक्सप्रेस हाईवे। आप आंख बंद करके इस एक्सप्रेस हाईवे से सफ़र अपना तय कर सकते हैं, लेकिन बस फोर व्हीलर और बस के माध्यम से ही आप इसके ऊपर से जा सकते हैं, टू व्हीलर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। याद रखिएगा, टू व्हीलर के लिए अलग रोड बनाया हुआ है, अगर आप जाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं आप बादलों को पहाड़ों से बिल्कुल टच हो कर के जा रहे हैं दोस्तों, और जल्द ही बस हम आपको लेकर मुंबई शहर में पहुंचेंगे और उसके बाद में मुंबई की जो कुछ जगहें बची हुई हैं उनको आपको दिखाएंगे आने वाले वीडियोस में। आप मुंबई की अद्भुत अद्भुत जगहों का और भी आनंद लेंगे और जब भी समय मिलेगा बिल्कुल हम मुंबई के बाहर बारिश के उपरांत निकल जाएंगे। और दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं, उसका आप आनंद लीजिए। ये वाशी हम लोग पहुंच चुके हैं, मुंबई वाशी, और यहाँ पर हम लोग उतरे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। ये हम लोग साइन में पहुंच गए हैं, बांद्रा में।